हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ हार्ट में। तो आज बनाएंगे सैजन के साथ मछली, छोटी मछली की रेसिपी। तो दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग तरीके की एक रेसिपी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और रेसिपीज को फुल वॉच करें। तो दोस्तों, रेसिपीज पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूरी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज चलते हैं सहजन वाली फिश करी बनाने। आइए, इसमें डालेंगे बड़ी भी और आलू भी, मस्त एकदम। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, छोटी मछली के साथ सहजन की करी। आइए चलते हैं रेसिपी की ओर। आइए दोस्तों, सहजन को काट लेते हैं। आइए ऐसे रेशा इसके हर तरफ से निकालने पड़ते हैं। ये आलू काट लेते हैं। प्याज, लहसुन और अदरक इसे पीस लेंगे। काली मिर्च, जीरा, सरसों, सूखा हुआ मिर्च, साबुत और साबुत धनिया, इन्हें भी सब पीस लेंगे। चूल्हा जला लिया है, आइए कढ़ाई रखते हैं। आइए मछली को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर, नमक, मछली अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, आइए बनाते हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है, आइए तेल डालते हैं, सरसों तेल। मसालों को अभी हम पीसेंगे, उसके साथ ये भी पीसेंगे। तेल गरम हो चुका है, आइए मछली डाल देते हैं। मछली फ्राई हो चुका है, आइए इसे निकाल देते हैं। मीडियम 500 ग्राम वाला है ना। मछलियां
सारी फ्राई हो चुकी है। आइए अब आलू फ्राई करते हैं। आलू फ्राई हो चुका है, आइए निकाल। करी बनाएंगे अब, 5 फोरन डालेंगे। पत्ता अब डालेंगे पिसा हुआ प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। टमाटर डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक, पीसे हुए साबुत मसाले डाल देते हैं। अब हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा। आइए भूनते हुए मसाले में आलू को भी डालकर भूनते हैं। आइए ड्रम स्टिक को डाल देते हैं। ये खोलना मशीन है ना, आइए बड़ी को फ्राई कर लेते हैं। बड़ी फ्राई हो चुका है, निकाल लेते हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, आइए अब पानी डालते हैं। आलू अच्छे से पक चुका है, अब मच्छी डाल लेंगे। आइए अब धनिया डालते हैं। आइए मछली पक चुकी है,